साथियों महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन चार वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा तुम्हारा वर्ण कौन सा है, तो वे बताते हैं मैं क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी दो ही वर्ण हैं ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है ओबीसी लोग ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण राक्षस गण। उदाहरण के लिए एक कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है, इसी वजह से उन्हें सही गलत दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 11 संधि की कथा। अब तक मैंने निम्न तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। नंबर 1 ब्राह्मणों ने शूद्रों को आर्यों के दूसरे वर्ण क्षत्रियों के एक वर्ग से नीचे गिराकर समाज के चौथे वर्ण में धकेल दिया। नंबर 2 शूद्रों के दमन के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई फितरस थी उनका उपनयन बंद कर देना। नंबर 3 ब्राह्मणों की यह प्रतिक्रिया शूद्र राजाओं के द्वारा उनके साथ किए गए अत्याचार उत्पीड़न अपमान दमन आदि के कारण थी, जिसका आशय था प्रतिरोध की भावना। यह सब बिल्कुल है, तथापि निम्नांकित प्रश्न उठते हैं। नंबर 1 ब्राह्मणों का विद्वेष केवल कुछ राजाओं से ही था, फिर क्या कारण है कि वे समस्त शूद्र जाति के ही शत्रु बन गए। नंबर 2 क्या द्वेष इतना जहरीला था कि ब्राह्मणों ने घृणावश होकर उनसे बदला लेने पर उतर आए। नंबर 3 क्या दोनों पक्षों में सुलह नहीं हुई, यदि सुलह हुई थी तो ब्राह्मणों के पास शूद्रों के पतन के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं था। नंबर 4 शूद्रों ने इस अधो पतन को कैसे सहन किया। मैं मानता हूं ये गुड़ प्रश्न है तथा इन पर ठंडे दिल से विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न प्रासंगिक है इसलिए इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। नंबर 1 यह प्रश्न की कुछ राजाओं के साथ क्लेश होने के कारण ब्राह्मणों को शूद्रों के संपूर्ण समुदाय से बदला लेने की क्यों ठानी, यह प्रश्न न केवल सामयिक ही है बल्कि बहुत विशिष्ट भी है। यदि दो बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो उत्तर मिल जाएगा। पहले तो अध्याय 9 में वर्णित ब्राह्मणों और शूद्र राजाओं के बीच कलह व्यक्तिगत कलह नहीं थी, हालांकि ऐसा लगता है। दूसरी ओर ब्राह्मण एकजुट हो गए थे। वशिष्ठ प्रकरण के अतिरिक्त सभी झगड़े ब्राह्मण मात्र से थे। ठीक इसी प्रकार जिन राजाओं से ब्राह्मणों का संघर्ष हुआ वे सभी शूद्र वंश के थे और सुदास से संबंध थे। जहां तक सुदास का प्रश्न है, यह संघर्ष ब्राह्मणों और क्षत्रियों के एक अंग शूद्रों के बीच था। इसमें संदेह नहीं कि इस बात के हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि शेष क्रोधभाजन राजा भी क्षत्रियों के एक अंग शूद्रों से ही संबंध थे, किंतु हमारे पास अन्य प्रमाण है जिनसे निष्कर्ष निकलता है कि वे सुदास के वंशज थे। महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत वंशावली देखने योग्य है। ब्राह्मणों के साथ संघर्ष में वर्णित राजाओं के अंतर संबंधों पर यह रोचक प्रकाश डालती है। पुरुरवा वैवस्तव मनु का पौत्र और इला का पुत्र था। नहुष पुरुरवा का पौत्र था। निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था जो स्वयं मनु वैवस्तव का पुत्र था। इक्ष्वाकु की
इक्ष्वाकु की 28वीं पीढ़ी में त्रिशंकु हुआ, इक्ष्वाकु की 50वीं पीढ़ी में सुदास था। वेन मनु वैवस्वत का पुत्र था। ये सभी मनु के वंशज होने के कारण सभी सुदास से संबंधित होने चाहिए। सुदास के शूद्र होने के प्रमाण है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सभी शूद्र थे। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, किंतु यह सोचना असंगत न होगा कि संघर्ष पूरे शूद्र समुदाय के साथ था, अकेले सुदास के साथ नहीं। स्मरणीय है कि यह संघर्ष अति प्राचीन काल में हुए, जब लोगों में मनसावा चाकर मना मध्य कबीलाई भावनाएं भरी होगी। वंशावली मारीची कश्यप दक्ष यानी दक्ष प्रजापति के अन्य कन्या आदित्यगण विवस्वत मनु यम मनु के 10 पुत्र त्रुष्णु नौशोद नाभाग इक्ष्वाकु कुरुष शार्त इला प्रसाद नाभ घोषला। यद्यपि कोई प्रत्यक्ष शास्त्र नहीं है, तथापि यह स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों के साथ संघर्ष में यह वंश समस्त शूद्र वंश एक पक्ष था। प्राचीन काल में जब संघर्ष हुआ, सभ्यता और व्यवहार प्रारंभिक अवस्था में थे, तथा एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्तिगत नहीं माना जाता था। इसका परिणाम समस्त जाति या वंश को भोगना पड़ता था। अंततः यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों ने अपनी शत्रुता उत्पीड़क राजाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण शूद्र जाति का उपनयन बंद कर दिया। नंबर 2, क्या उत्तेजना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि यह निर्विवाद है, दोनों ओर पारा चढ़ा था, दो पक्षों में द्वेष भाव चरम सीमा पर था, स्थिति विस्फोटक थी। दूसरी ओर ब्राह्मणों द्वारा समाज में श्रेष्ठता तथा विशेष अधिकार प्राप्त करने का दावा भी असह्य हो गया था। ब्राह्मणों के दावों की लंबी सूची का अवलोकन करें। इसके अनुसार ब्राह्मणों के दावे इस प्रकार है। नंबर 1, ब्राह्मण को जन्म के आधार पर सभी वर्णों का गुरु माना जाए। नंबर 2, अन्य वर्णों के कर्तव्य आचरण तथा जीविका के स्रोत निर्धारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। सभी वर्ण आंख मूंद कर इसका पालन करें। राजा ब्राह्मण के निर्देश से शासन चलाए। नंबर 3, ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं है, ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा सभी वर्णों का शासक होगा। नंबर 4, ब्राह्मण इन दंडों से मुक्त है। नंबर 1, चाबुक, 2, हथकड़ी बेड़ी, 3, आर्थिक दंड, 4, देश निकाला, 5, भत्सना, 6, सामाजिक बहिष्कार। नंबर 5, श्रोतिया ब्राह्मण वेदविद ब्राह्मण कर मुक्त है। नंबर 6, यदि गड़ा हुआ धन ब्राह्मण को मिले तो वह उसका संपूर्ण अधिकार है, यदि राजा को मिले तो वह आधा भाग ब्राह्मण को दे। नंबर 7, निसंतान मरने वाले ब्राह्मण की संपत्ति राजकोष में न जमा कर श्रोत्रियों और ब्राह्मणों में वितरित कर दी जाए। नंबर 8, यदि राजा को श्रोत्रिय या ब्राह्मण रास्ते में मिले तो राजा उनके लिए मार्ग छोड़ दे। नंबर 9, सबसे पहले ब्राह्मण का अभिवादन किया जाए। 10, ब्राह्मण पवित्र है, उसे हत्या के अपराध में भी प्राण दंड नहीं दिया जाए। 11, ब्राह्मणों को धमकाना पीटना धक्का देना अथवा उसके शरीर से रक्त निकालना अपराध है। 12, कुछ अपराधों में ब्राह्मण को अन्य वर्णों की अपेक्षा कम दंड दिया जाए। 13, वादी यदि ब्राह्मण नहीं है तो राजा ब्राह्मण को साक्ष के लिए न बुलाए। 14, यदि किसी स्त्री के 10 गैर ब्राह्मण पति हो और एक ब्राह्मण उससे विवाह कर ले तो वह ब्राह्मण की भार्या होगी, न कि एक राजन्य अथवा किसी वैश्य की, जिससे उसने विवाह किया हुआ है। ब्राह्मणों के इन विशेषाधिकार दावों पर विचार करते हुए श्री काने कहते हैं, ब्राह्मणों को अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, तथा भिक्षाटन के लिए अन्य लोगों के घर में बिना रोक टोक प्रवेश करना, कहीं से भी ईंधन फूल पानी आदि का संकलन चोरी नहीं है, पराई स्त्री से निर्द्वंद बातचीत करना, बिना कर दिए सबसे पहले नदी पार करना, व्यवसाय के लिए प्रयुक्त नावों पर चुंगी न देना, तथा यात्रा के थके भूखे होने पर किसी भी खेत में से 2 गन्ने या कंदमूल ले लेना। निसंदेह कालांतर में इन अधिकारों में और भी वृद्धि हुई। यह कहना कठिन है कि संघर्ष के समय तक ब्राह्मणों को क्या क्या सुविधाएं मिल चुकी थी, किंतु यह निश्चित है कि उपरोक्त सूची में क्रम संख्या 1, 2, 3, 8 और 14
पर अधिकार किसी भले और स्वाभिमानी व्यक्ति समुदाय को शुद्ध करने के लिए बहुत काफी थे। जहां तक क्षत्रिय राजाओं की बात है, वे इन शर्तों को कैसे मान लेते? या हम यह न भूले कि जिन राजाओं का ब्राह्मणों से टकराव हुआ, उनमें से अधिकांश सूर्यवंशी थे। विद्या, अध्ययन, गौरव और वैवाहिक प्रकृति में चंद्रवंशी क्षत्रियों से शक्ति और आत्मगौरव से भिन्न थे। चंद्रवंशी ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार कर उनके दास बन गए। सूर्यवंशी क्षत्रिय विद्या और ज्ञान में ब्राह्मणों से उत्तम थे। अनेक तो वैदिक मंत्रों के स्रष्टा राजर्षि थे। उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी। ऋग्वेद की अनुक्रमणिका के अनुसार निम्नांकित स्रोत मंत्रों के सृष्टा अधोलिखित सूर्यवंशी राजागण थे। ऋग्वेद 6:15 वातहव्य अथवा भारद्वाज, 10:9 सिंधुदीप पुत्र अम्बरीश अथवा तत्स्त्री के पुत्र श्रीरस, 10:75 प्रियमेद के पुत्र शिंदुक्षित, 10:133 पैजवन के पुत्र सुदास, 10:134 युवनाश्व का पुत्र मानधात्री, 10:179 उशिनार के पुत्र शिवी काशीराज दिवोदास के पुत्र प्रतारदन तथा रोहिदाश्व का पुत्र वसुमानस तथा 10:148 पृथ्वीवेन। मत्स्य पुराण के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकारों के नामों की सूची निम्नांकित है। भृगु, काश्य, प्राचेतस, दधीची, आत्मवन, आर्ब, जमदग्नि, कृप, शारदत्व, अरिष्टिसेन, युद्धजीत, वातहव्य, सुवर्चन, वेन, पृथु, दिवोदास, ब्राह्मणस्व, गृत्स, सौनक, ये 19 भृगु है जिन्होंने मंत्र रचे। अंगिरस, बेदस, भारद्वाज, भालनंदन, रित, शब्द, गर्ग, सिसी, संस्कृति, गुरुधीर, मानधात्री, अम्बरीश, युवनाश्व, पुरुकुत्स, प्रगुण, श्रावणाश्व, अजामेद, हरियश्व, तक्षक, कवि, पृषदश्व, वामदेव, अजित, उरुहदक्य, दीर्घात्मस, कावी, काक्षी, ये 33 प्रमुख अंगिरस है। ये सभी मंत्र रचनाकार थे। अब कश्यपों को ले। गादीपुत्र विश्वामित्र, देवराज, बल मधुचंद, ऋषभ, अध्व मार्शरणी, लोहित, अष्टक, भूतकिल, वेद श्रवा, देवव्रत, पूर्णश्व, धनंजय, गौरवशाली मिथिला, शालकायन, ये सब 13 प्रमुख कौशिक है। क्षत्रियों में 3 प्रमुख मंत्र सृष्टा है, मनु, वैवस्वत, ईड़ा और पुरुरवा। वैश्यों में भालंद, वंद्य और सांस्कृत्री प्रमुख 3 मंत्र सृष्टा हुए हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों व क्षत्रियों और वैश्यों के 91 व्यक्तियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की। यह सूची केवल क्षत्रियों के बहुत से नामों की ही नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे क्षत्रियों के नाम भी है जिनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ। वेद मंत्रों की रचनाओं में क्षत्रियों की प्रमुख भूमिका थी। अत्यंत विख्यात गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, जो एक क्षत्रिय थे। यदि उनमें यह क्षमता न होती तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों की चुनौती का सामना करना असंभव होता। ब्राह्मणों के प्रपंचों से क्षत्रियों में विंध्याध्ययन और शूरता के आधार पर प्राप्त गौरव को आघात पहुंचता था। अंततः उन्होंने ब्राह्मणों की चुनौती बहुत शूरवीरता से स्वीकार की और इन चुनौती का उत्तम दमन से दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की बुरी गत बनाई। वेन ने देवताओं के स्थान पर अपनी पूजा कराने के लिए ब्राह्मणों को बाध्य किया। पुरुरवा ने उनकी धन संपत्ति लूट ली। नहुष ने ब्राह्मणों को रथ में जोत कर नगर में घुमाया। निमि ने अपने पुरोहित को अपने कुल परंपरागत संस्कार कराने से रोक दिया। सुदास ने इस सबसे आगे जाकर अपने पूर्व के कुल पुरोहित वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को जीवित जला डाला। इस प्रकार शूद्रों से बदला लेने के लिए ब्राह्मणों के मन मानस में निश्चित रूप से इससे बढ़कर और कोई कारण हो ही नहीं सकता था। 3, ब्राह्मणों और शूद्रों के मध्य सुलह के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इससे पहले कि मैं इन साक्ष्यों पर अपना मत स्थापित करूं, मैं साक्ष्यों की जानकारी देना परम आवश्यक समझता हूं। संधि की कथाएं महाभारत और पुराणों में बिखरी पड़ी है। पहली कथा 2 कबीलों, भरत जिसमें विश्वामित्र था तथा
त्रिस्तुओं जिसने वशिष्ठ थे के बीच सुलह की है। भरत चित्सुओं के शत्रु थे, यह ऋग्वेद 3:53-24 से स्पष्ट है। हे इंद्र, भरत पुत्र वशिष्ठ को आने से रोको। महाभारत के आदि पर्व में सुलह की कथा इस प्रकार है, और उनके शत्रुओं ने भरतों को मारा। पांचाल ने चतुरंगिनी सेना द्वारा आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। राजा सवरण अपनी पत्नियों, पुत्रों, मंत्रियों और मित्रों के साथ भाग खड़ा हुआ और सिंधु के जंगलों में जा छिपा। भरत वहां 1000 साल तक रहे। वशिष्ठ ऋषि के आने पर भरतों ने उनका अभिवादन किया। महर्षि के आसन ग्रहण करने पर राजा ने सादर निवेदन किया, आप हमारे पुरोहित बने, तदुपरांत हमें हमारे राज्य की पुनः प्राप्ति में सहायता दे। वशिष्ठ ने पुरु को समस्त क्षत्रियों की प्रभुता सौंप दी। उसने भरतों के खोए हुए राज्य पर तो अधिकार किया ही, अन्य सभी राजाओं को भी अपने अधीन किया। दूसरी कथा भृगु और क्षत्रिय राजा कृतवीर्य के मध्य विवग्रह संधि की है। महाभारत के आदि पर्व की कथा के अनुसार कृतवीर्य नाम का एक राजा था। भृगु ने उसका यज्ञ कराया और राजा से गव्य और धन प्राप्त किया। राजा की मृत्यु के उपरांत उसने कुछ धनी उत्तराधिकारी भृगुओं ने ब्राह्मणों को धन दे दिया और कुछ ने धन जमीन में गाड़ दिया था, कुछ ने राजपुत्रों को वापस दे दिया। एक क्षत्रिय ने एक भृगु का घर खोदकर जमीन में दबा धन खोज निकाला। सारे क्षत्रियों ने इस खजाने को देखा और क्रोध में आकर सब भृगुओं का वध कर दिया। उन्होंने गर्भस्थ शिशुओं तक पर तरस नहीं खाया। विधवाएं हिमालय की ओर भाग गए, उसमें से एक ने अपने गर्भ को बचा लिया। एक ब्राह्मण गुप्तचर से यह समाचार प्राप्त कर वे उसे मारने गए, किंतु उस गर्भस्थ शिशु के तेज से जंगलों में अंधे होकर भटकने लगे। हार कर उन्होंने नेत्रों की ज्योति फिर से पाने के लिए शिशु की स्तुति की कि शिशु की माँ के परामर्श पर क्षत्रियों ने नवजात शिशु आर्व की स्तुति की और फिर से नयनों की ज्योति पाई। आर्व वेद वेदांग में पारंगत बताया गया है। भृगुओं के वध का बदला लेने के लिए आर्व कठिन तप करने लगा। देवता, असुर और मानव चिंतित हो उठे। आर्व के पूर्वजों ने जाकर उसे समझाया, वे क्षत्रियों से बदला लेना नहीं चाहते। वे स्वयं वृद्ध हो गए थे और मरना चाहते थे। आत्मघात से बचने के लिए उन्होंने जमीन में धन छिपाकर क्षत्रियों को भड़काया था। अस्तु हे पुत्र, तुम अपने क्रोध से क्षत्रियों और सातों द्वीपों को नष्ट न करो। आर्व ने उत्तर दिया, यदि मेरा क्रोध दूसरों पर न उतरा तो स्वयं मुझे ही नष्ट कर देगा। पितरों ने उसे अपना क्रोध समुद्र में बहाने का परामर्श दिया। समुद्र में जाते ही क्रोध दावानल बन गया, जो अग्नि उगलता है और जल को पीता है। तीसरी कथा हय्य नरेश कृतवीर्य के पुत्र सहस्रबाहु अर्जुन और ब्राह्मण परशुराम की है। यह महाभारत के वन पर्व में निम्न प्रकार है। बताया जाता है कि हय्य राजा कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन के एक सहस्र हाथ थे। उसने दत्तात्रेय से वायु गति का एक स्वर्ण रथ प्राप्त किया और देव यक्ष ऋषि आदि सबका दमन किया। देवता और ऋषि विष्णु के पास गए, वे सब और इंद्र अर्जुन से अपमानित हो चुके थे। अंततः उन्होंने उसके वध की योजना बनाई। कान्यकुब के राजा गाधी की पुत्री सत्यावती का विवाह ऋषि ऋचिक से हुआ और जमदग्नि का जन्म हुआ। ऋषि के 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माँ का वध कर दिया और अपने पिता से दीर्घायुष और अजय होने का वर प्राप्त किया। बाद में परशुराम के आग्रह पर जमदग्नि ने रेणुका को जीवित कर दिया। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि पत्नी से उसका स्वागत किया। वह लौटते वक्त आश्रम में फलदायी वृक्षों को गिरा गया और ऋषि की गाय और बछड़े को ले गया। परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसके सहस्र हाथ
काट कर उसे मार डाला। अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की उपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। परशुराम का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का अस्तित्व समाप्त करने का प्रण लिया। वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। उन्होंने अर्जुन के पुत्रों पौत्रों सहित सैकड़ों हरियों को मार दिया। पृथ्वी रक्त से लाल हो उठी। क्रूरता के साथ किए गए क्षत्रियोन्मूलन से उनका मन दुख से व्याकुल हो गया। अंततः ये मन को शांत करने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ सहस्र वर्ष बीत जाने पर विश्वामित्र के पौत्र और रैभ्य के पुत्र परावसु ने जनकपुर में एक भरी सभा में ताना देते हुए कहा, क्या ययाति कि इस समुद्र नगरी में एकत्र प्रतारदन आदि पुण्यात्मा क्षत्रिय नहीं है? प्रतारदन आदि पुण्यात्मा क्षत्रिय नहीं है? क्षत्रियोच्छेद के आपके प्रण का क्या हुआ जो इस सभा में डिंगहाक रहे हैं? क्या इस समय पृथ्वी सैकड़ों क्षत्रियों के वंशों से पादाक्रांत नहीं है? यह सुनते ही परशुराम ने शस्त्र निकाल लिया। तब सैकड़ों क्षत्रियों का जो परशुराम के क्रोध से बच गए थे और शक्तिशाली राजाओं के रूप में उभर आए थे, सबका संहार कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ में भ्रूण को भी क्षत्रियों का पृथ्वी से संपूर्ण समाप्त किए जाने के बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होने पर कश्यप को यज्ञ की दक्षिणा दी। संघर्ष कथा के उपरांत महाभारत का रचनाकार संधि की कहानी इस प्रकार कहता है, जमदग्नि पुत्र परशुराम पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात महेंद्र पर्वत पर तप करने लगे। क्षत्रिय विधवाओं को संतति की कामना हुई, वे ब्राह्मणों के पास आए। निष्काम ब्राह्मणों ने उनके साथ संभोग किया। वे गर्भिणी हुई और कालांतर में उन्होंने वीर पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। इन्हीं से क्षत्रिय वंश चला। इस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मिश्रण से क्षत्रिय वंश की वृद्धि हुई। तभी से ब्राह्मणेतर जातियों का उदय हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय विग्रह और संधि की उपरोक्त कथाओं में उन क्षत्रिय राजाओं को जिन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी का कोई उल्लेख नहीं है। आइए अब हम उनकी संधि कथाओं की ओर लौट चले ताकि विषयांतर न हो सके। पहला वृत्तांत सुदास पुत्र कल्माषपाद का है। महाभारत के आदि पर्व में यह वृत्तांत कहानी के इस भाग में कल्माषपाद तथा वशिष्ठ के बीच की जिस शत्रुता का उल्लेख है उसका वर्णन पहले ही हो चुका है। संधि कथा का यह भाग इस प्रकार है, शक्ति की विधवा पत्नी अदृश्यंती ने अपने पर्वतों और देशों के भ्रमण में अपने ससुर वशिष्ठ का अनुगमन किया। वशिष्ठ को उनके गर्भ से वेदोच्चारण सुनाई दिया। अंततः वंश वृद्धि की आज्ञा से प्राणांत का विचार किया। अदृश्यंती के गर्भ से पाराशर ने जन्म लिया। एक बार राजा कमलाषपाद ने वन में वशिष्ठ और अदृश्यंती को निगलने का असफल प्रयास किया, जिसे वशिष्ठ ने भभक कर रोका। मंत्राहुत जल के छींटे मारकर राजा को 12 वर्ष के शाप से मुक्त कर दिया। शाप मुक्त राजा ने वशिष्ठ की अभ्यर्थना की, हे उत्तम ऋषि। शाप मुक्त राजा ने वशिष्ठ की अभ्यर्थना की, हे उत्तम ऋषि, मैं वह सौदास हूँ जिसके आप पुरोहित है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त क्या कर सकता हूँ, सेवा बताएं। वशिष्ठ ने कहा, जो कुछ हुआ है वह दैविक शक्ति से हुआ है, इसलिए हे राजन अब जाकर अपना राज संभालो, किंतु ब्राह्मण निंदा न करना। राजा ने वचन दिया, मैं ब्राह्मणों को किसी भी तरह ही न समझूंगा। मैं आपका आदेश शिरोधार्य कर उन्हें पूरी तरह आदर दूंगा। अब आप मेरी संतति पुत्र लाभ प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण करें ताकि मैं इक्ष्वाकु वंश के ऋण से मुक्त हो सकूं। वशिष्ठ के अनुरोध मान लेने पर वह अयोध्या लौट आए। 12 वर्ष उपरांत वशिष्ठ के सहवास से साम्राज्ञी ने गर्भ धारण किया और 12 वर्ष के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अब महाभारत के अनुशासन पर्व का दूसरा दृष्टांत देखें।
एक बार वाक्पटु इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुदास ने अपने कुल पुरोहित अविनाशी संत उत्तम ऋषि संपूर्ण संसार को हिलाने के समर्थ और दैविक ज्ञान के भंडार वशिष्ठ को सादर अभिवादन कर पूछा, हे पर आदरणीय निर्दोष ऋषि, तीनों लोगों में वह विचित्रतम वस्तु क्या है जिसके निरंतर पूजन से सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति होती है? वशिष्ठ ने उत्तर में गुणों और उनकी उपाय देयता का विस्तार पूर्वक वर्णन कर गाय की महत्ता बताई। उस जितेंद्रिय नरेश ने ऋषि के उपदेश से प्रभावित होकर गायों के रूप में ब्राह्मणों को यथेष्ट धन दिया, इससे उसे संत के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। सुदास के वंशजों से संबंधित संधि की तीसरी कथा महाभारत के शांति पर्व में भी है। कश्यप ने पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को बसाया और स्वयं वन में चले गए। शूद्र और वैश्य ब्राह्मण स्त्रियों को सताने लगे। बलवान निर्बल को सताने लगे। संपत्ति पर किसी का आधिपत्य नहीं रहा। क्षत्रियों से आरक्षित पृथ्वी रसातल की ओर जाने लगी। कश्यप ने उसे अपने उरु पर धारण किया। अंतः पृथ्वी उर्वी कहलाई। तब पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए कश्यप से एक राजा की याचना की। पृथ्वी ने कहा, मैंने हय्य वंश की विधवाओं से उत्पन्न अनेक क्षत्रियों को बचा रखा है। उनमें ऋक्षावत पर्वत पर ऋक्षो द्वारा पाले पोसे पुरुवंशी विद्वरथ का पुत्र भी है। मेरी इच्छा है कि वह मेरा रक्षक बने। इसी प्रकार गौरवशाली ऋषि पाराशर ने सुदास के वंशज सर्वकर्मन की रक्षा की है। अन्य राजाओं के वंशज द्योकार तथा स्वर्णकारों के रूप में देश के विभिन्न भागों में सुरक्षित है। उनके पितामह तथा पिता मेरे निमित्त पराक्रमी परशुराम द्वारा मार डाले गए थे। अस्तु, मैं अपने हितों की रक्षा करके बदला चुकाना चाहती हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए कोई असाधारण महापुरुष नहीं चाहती। मेरी दृष्टि तो एक साधारण शासक से भी हो जाएगी। अंततः आप शीघ्र इस अभाव की पूर्ति करें। कश्यप ने पृथ्वी द्वारा बताए गए क्षत्रियों को बुलाकर उन्हें राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस साक्ष्य को क्या कोई विश्वसनीय मान सकता है? मेरे अपने मतानुसार ऐसे साक्ष्य को स्वीकारना तो दूर रहा, इससे सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो सारी संधि कथाओं का अंत ऐसी शांति में होता है जिसमें क्षत्रियों का तिरस्कार दर्शाया गया है। प्रत्येक कथा में क्षत्रियों का पराभव दर्शाया गया है। भरत वशिष्ठ के पुत्र है, उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ता है, वे देश छोड़ते हैं, अंततः उनका राज्य छीन जाता है। वे अपने पुरातन चिर शत्रु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनने तथा दुर्भिक्ष की आपत्ति से बचने के लिए उनसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। भृगु क्षत्रिय सोदास और कलमाशपाद के वृत्तांत में बताया गया है कि क्षत्रियों ने विजेता ब्राह्मणों को अपनी स्त्रियां देकर सुलह की। ये कहानियां ब्राह्मणों का यशोगान करने तथा क्षत्रियों को तिरस्कृत करने के लिए गढ़ी गई है। ऐसी दूषित फुहड़ और निंदनीय कहानियों को ऐतिहासिक सत्य नहीं माना जा सकता। ब्राह्मणवाद के समर्थक ही सत्य मान सकते हैं। फिर जहां तक ब्राह्मणों और सुदास के वंशज शूद्रों के मध्य संघर्ष का संबंध है, इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि उनमें सुलह हुई ही नहीं। वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र पाराशर को जब यह विदित हुआ कि सुदास ने उसके पिता को जीवित जला दिया था, तो उसने शूद्रों के सामूहिक संहार का प्रण किया। ऐसी ही एक प्रक्रिया वशिष्ठ ने सुदास के वंश के प्रति की थी। महाभारत में निस्संदेह यह बताया गया है कि वशिष्ठ ने बदला लेने के लिए पाराशर को सहमत किया और इस संबंध में उन्होंने भृगुओं और क्षत्रियों के संघर्ष का संदर्भ देते हुए बताया कि भृगुओं ने हिंसा का मार्ग न अपना कर क्षत्रियों पर किस प्रकार विजय पाई। यह वृत्तांत सत्य न होकर गढ़ा हुआ है, क्योंकि इनमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास है। ब्राह्मणों और शूद्रों में संधि न होने का सबसे सबल प्रमाण ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों के विरुद्ध बनाए गए विधान है। इतनी वृद्धि उत्पत्ति और असाधारणता का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।
इन काले कानूनों की पृष्ठभूमि में समझौता या सुलह का प्रस्ताव स्वतः ही निरर्थक सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों ने केवल शूद्रों से ही बदला नहीं लिया, उन्होंने बदले की भावना से शूद्रों की संतान को भी सदा सर्वदा के लिए निर्दयता पूर्वक कठोरता से इन काले कानूनों के शिकंजे में कस दिया। अंतः चांडालों और निषादों के विषय में जानकारी देना वांछनीय होगा। चांडाल और निषाद मिश्रित अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न वर्ण संकर संतति है। निषाद अनुलोम है तथा चांडाल प्रतिलोम। अनुलोम उपनयन के अधिकारी है, किंतु ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की संतान निषाद अनुलोम होते हुए भी उपनयन के लिए कुपात्र ठहराया गया है। ऐसा क्यों? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि ब्राह्मणों का अपने शत्रु शूद्र स्त्री के बच्चों के साथ बदले की भावना से की गई दुर्भिसंधि है। नंबर एक, मनुस्मृति के अनुसार देखिए, तालिका में छह अनुलोम संतति है। पिता माता संतान का नाम, पिता ब्राह्मण माता क्षत्रिय, संतान का नाम मूर्धा विसिक्त, पिता ब्राह्मण माता वैश्य, संतान का नाम अम्बष्ट, पिता ब्राह्मण माता शूद्र, संतान का नाम निषाद, पिता क्षत्रिय माता वैश्य, संतान का नाम माहिष्य, पिता क्षत्रिय माता शूद्र, संतान का नाम उर्ग, पिता वैश्य माता शूद्र, संतान का नाम करण। अब प्रतिलोम पर विचार करते हैं। यद्यपि मनु ने इन्हें निज बताया है, तथापि सभी प्रतिलोम घृणित नहीं है। अयोगव और क्षत्तार के अधिकारों और सुविधाओं के संबंध में विशेष छूट दी गई है, किंतु चांडाल के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में मनुस्मृति के उद्धरण प्रस्तुत है। मनुस्मृति अध्याय 10:48। अयोगव का व्यवसाय बढ़ईगिरी होगा। मनुस्मृति 10:49। क्षत्तार की जीविका बिलों में रहने वाले जानवरों को पकड़ना और मारना होगा। उनके लिए केवल नीचे उद्यम करने को बताया गया है। आइए अब चांडाल के विषय में मनुस्मृति से तुलना करें। पिता माता संतान की जाति का नाम, पिता शूद्र माता ब्राह्मण, संतान का नाम चांडाल, पिता शूद्र माता क्षत्रिय, संतान का नाम क्षत्तार, पिता शूद्र माता वैश्य, संतान अयोगव, पिता वैश्य माता ब्राह्मण, संतान सूत, पिता वैश्य माता क्षत्रिय, संतान वैदेही, पिता क्षत्रिय माता ब्राह्मण, संतान मागध। चांडाल सुअर मुर्गा कुत्ता अजस्वला श्री और नपुंसक भोजन करते हुए ब्राह्मण को न देखे। मनुस्मृति अध्याय 3:239। कोई व्यक्ति जाति से पतित, चांडाल, पुलकस, गुड़, घमंडी, नीच और अंतव साइयो के साथ न रहे। 4:79। चांडाल राजस्वला श्री पतित शव या इनको छूने वाले व्यक्ति से छू जाने पर स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। 5:85। मनु ने आदेश दिया है कि कुत्ते द्वारा मारे गए जंगली पशु तथा चांडाल आदि दस्युओं तथा किसी मांसाहारी पशु के आखेट का मांस पवित्र होता है। अध्याय 5:131। एक वर्ष की अवधि में दोबारा अपराध करने का दंड दुगुना होगा। पुरात्य अथवा चांडाल स्त्री से संभोग करने का यही दंड है। अध्याय 8:373। यदि कोई व्यक्ति मूर्खता से अन्य जाति की वृद्ध स्त्री से संपर्क रखता है तो उससे चांडाल की तरह घृणा करनी चाहिए। अध्याय 9:87। चांडाल और स्वपज गांव के बाहर रहे और अपात्र कुत्ते और गधे ही उनकी संपत्ति मात्र है। अध्याय 10:51। अच्छे और बुरे का ज्ञान होने पर ही भूख से व्याकुल विश्वामित्र ने चांडाल द्वारा दिया गया कुत्ते का मांस खाया। अध्याय 10:108। ब्राह्मण को यज्ञ के लिए कभी भी शूद्र से धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण मृत्युपरांत चांडाल के घर ही जन्म लेते हैं। अध्याय 11:24। यदि कोई ब्राह्मण अनजाने में चांडाल अथवा नीच जाति की स्त्री से संभोग कर ले अथवा उसका भोजन ग्रहण कर ले अथवा उसकी दक्षिणा स्वीकार कर ले तो वह पतित हो जाता है। जानकर ऐसा करने पर वह उसी की जाति का हो जाता है। अध्याय 11:175। ब्राह्मण का वध करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़,
मुरु पक्षी चांडाल और पुक्कस की योनि में जन्म लेता है। अध्याय 12:55। अयोगव चांडाल और क्षत्तार सभी प्रतिलोम है, फिर अकेले चांडाल को ही अप्रतिष्ठित या कलंकित क्यों ठहराया गया है? मात्र इसलिए कि वह ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्री की संतति है। वस्तुतः यह बदले की ही भावना है। इससे निस्संदेह यह सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मणों और शूद्रों में कभी सुलह हुई ही नहीं। नंबर 4, अंतिम प्रश्न यह है कि शूद्रों ने अधोपतन कैसे सहन कर लिया। इस प्रश्न के मूल में संभवतः यह मत है कि प्राचीन आर्यों में शूद्रों की संख्या विशाल थी। अस्तु, विशाल जनसंख्या पाने वाले अल्पसंख्यक ब्राह्मणों द्वारा उपनयन बंद कर देना सहन कर बैठे, यह कुछ आश्चर्यजनक भले ही न हो, विचित्र अवश्य है। यह मत संभवतः हिंदुओं में शूद्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया लगता है। यह निराधार है। हिंदू समाज के शूद्र प्राचीन आर्यों के शूद्रों के वंशज नहीं है। भारतीय आर्यों के शूद्र और आधुनिक हिंदू समाज के शूद्र का अर्थ भेद न कर पाने के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। आर्य में यह एक जाति अंश या कुल विशेष का नाम था, किंतु हिंदू समाज में शूद्र शब्द कोई स्वाभाविक नाम नहीं है। यह तथाकथित नीच अथवा असभ्य मानव वर्ग के लिए प्रयुक्त गुणवाचक संज्ञा है। यह मानव वर्ग सामान्यतः अनेक जातियों, कुलों, वंशों तथा कबीलों का समूह मात्र है, जिनके रहन सहन, खान पान, रस्म रिवाज आदि में भिन्नता तथा विविधता है। बस एक साम्य है, और वह यह है कि वे सब हिंदू है, और हिंदू संस्कृति के धरातल पर वे सबसे नीचे है। उनको शूद्र कहना अनुचित है। उनका ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाले आर्यों के शूद्रों से कोई संबंध नहीं है। यह दुखद बात है कि आधुनिक काल के निर्दोष और सामाजिक स्तर पर पिछड़े लोगों को मूल आर्यों के संबंध कर ही उन्हें दंडनीय बनाकर बेबस कर दिया गया है। भारतीय आर्य समुदाय के शूद्र और आधुनिक शूद्र में अंतर है। धर्म सूत्रकार दोनों प्रकार के शूद्रों का अंतर भली भांति जानते हैं, अन्यथा वे सच्छुद का अर्थ सभ्य शूद्र और अन्यथा वे सच्छुद्र का अर्थ सभ्य शूद्र और असच्छुद्र का अर्थ असभ्य शूद्र नहीं करते। निर्वाचित शूद्र का अर्थ है गांव में रहने वाले शूद्र, अनिर्वाचित शूद्र का अर्थ है गांव से बाहर रहने वाले शूद्र। वास्तविकता यह है कि सच्छुद्र और निर्वाचित शूद्र आर्य शूद्र है, सबकी असच्छुद्र और निर्वाचित शूद्र हिंदू शूद्र है। हमारे विचार का विषय आर्यों के शूद्र है, जिनका हिंदू समाज के शूद्रों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यदि हिंदुओं में शूद्रों की संख्या अधिक है तो आर्यों में भी शूद्रों की संख्या बड़ी थी। यह तर्क तथ्य जनित न होने के कारण हमारे विचार का आधार नहीं बन सकता। हम यह ठीक तरह नहीं जानते कि आर्यों के शूद्र जाति कुल या परिवार समूह थे। यदि हम उन्हें एक जाति मान ले तो भी उनकी संख्या कुछ सहस्र से अधिक नहीं रही होगी। ऋग्वेद अध्याय 7:33-6 में भरतों की संख्या स्पष्ट रूप से अल्प बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पांचाल राजा सोन सत्र साह के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करते हुए बताया गया है। अब सत्र साह ने अश्वमेध यज्ञ किया। 6630 कवचधारी तुर्वस विरोध में उठ खड़े हुए। शूद्रों ने अपने दुख निवारण के लिए क्या किया? कुछ ब्राह्मणों ने, जिन्हें उन्होंने पीड़ा पहुंचाई थी, उन्होंने इनका उपनयन करने से इनकार कर दिया। वे दूसरे ब्राह्मणों से, जिनसे उन्होंने कोई क्लेश तक नहीं किया था, सहयोग नहीं ले सकते थे। यह संभावना परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम उन्हें यह मालूम नहीं था कि ब्राह्मण गोलबंद हो गए हैं। वे इस षड्यंत्र से बेखबर रहे, अन्यथा इस गोलबंदी को तोड़ा जा सकता था। लेकिन स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में ही ब्राह्मण एक वर्ग या जाति बन गए थे, तथा उनमें जातिवाद भी भावना पैठ कर चुकी थी। ऐसी दशा में ब्राह्मणों की दुर्भी संधि को कुचलना शूद्रों के लिए दुष्कर क्यों था? द्वितीय उपनयन करना कुल पुरोहित का अधिकार बन चुका था। यह राजा नेमी की कथा से स्पष्ट हो चुका है।
यदि इन सत्य सूत्र जोड़े जाए तो अप्रत्यक्ष ब्राह्मणों द्वारा अपने विरुद्ध गठित संयुक्त मोर्चे का विरोध करने में शूद्र असमर्थ थे। दूसरी संभावना यह हो सकती थी कि सभी क्षत्रिय मिलकर एक जुट बना लेते जिससे ब्राह्मणों का विरोध निष्प्रभाव हो जाता। यह संभावना तो केवल अनुमान मात्र है, क्योंकि पहले तो शूद्र यह समझ ही नहीं पाए कि उपनयन बंद हो जाने के क्या फलितार्थ होंगे। दूसरी बात यह कि क्षत्रिय संगठित न थे, और यह बात ऋग्वेद में वर्णित दास यज्ञ युद्ध से प्रकट होती है कि शूद्र क्षत्रियो और अशूद्र क्षत्रियो के मध्य प्रेम या सौजन्य नाम की कोई चीज शेष नहीं बची थी। इसलिए कोई असमंजस नहीं कि शूद्रों ने उक्त परिस्थितियों के संदर्भ में ब्राह्मण की इस बात को मान लिया हो कि वे उपनयन के अधिकारी नहीं है। शूद्र कौन थे, इस पुस्तक का अध्याय 12 सिद्धांत की प्रेरक हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।